मैं बाइक दोस्त कंपनी को रिप्रेजेंट करता हूँ एंड आई एम द डायरेक्टर ऑफ दैट पर्टिकुलर कंपनी। हमारे कंपनी का नाम है मोटोमेट इन्फो वेंचर्स प्राइवेट लिमिटेड। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी वेलकम एवरीवन एंड दिस ब्यूटीफुल वेबिनार जो अशोक जी ने होस्ट किया है। एक बहुत बहुत दिल से मैं आप सबका स्वागत करता हूँ। और सो लेट मी क्विकली गो थ्रू व्हाट बाइक दोस्त इज। बेसिकली हमारा जो ये कंपनी है इनके जो फाउंडर्स है वी हैव मल्टीपल वर्टिकल्स इन ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री। मतलब हमारा अगर आप देखोगे तो बेसिकली हीरो का ब्रांड का हमारा एक ऑथराइज वर्कशॉप है बाय द नेम ऑटोलिंक हीरो। ये हमारा है कांदिवली एरिया में बॉम्बे में। ये हमारा 1992 से है एंड माई फादर स्टार्टेड इट मिस्टर चेतन शेठ करके। एंड वी आर नोन फॉर गिविंग इम्पेकेबल सर्विस एंड क्वालिटी सर्विस टू द हीरो टू व्हीलर यूजर्स। तो यहाँ पे अगर आप बॉम्बे में देखोगे वी हैव अ वेरी मच फोकस ऑन द क्वालिटी ऑफ द टू व्हीलर रिपेयर्स। तो टेक्निकली आप अगर देखोगे कहीं ना कहीं पे अगर कस्टमर एक उम्मीद लेके और एक आशा लेके आपके पास आता है कि यार मुझे मेरी बाइक की सर्विसिंग अच्छे तरीके से करनी है और आपको आपकी टीम को इस हिसाब से अलाइन करना है कि आप प्रॉपरली उस चीज को आप करवाते रहो सो दैट द कस्टमर इज हैप्पी। कि कस्टमर फर्स्ट एटीट्यूड आपका बन जाता है और उसके बाद आपकी टीम को आपको हैप्पी रखना है एंड देन यू आर ऑल्सो हैप्पी बिकॉज आपको भी अच्छे खासे प्रॉफिट्स मिलते हैं। तो हीरो टू व्हीलर में हमको टोटल 27-28 साल का एक्सपीरियंस है। ये हमारे थर्ड जनरेशन बिजनेसेस के उसमें आता है। एंड टेक्निकली जब हमने देखा कि टू व्हीलर सर्विस में बहुत सारी नीड है, मार्केट में बहुत ज्यादा नीड है इन टर्म्स ऑफ गिविंग क्वालिटी सर्विसेज टू द कस्टमर्स, इन टर्म्स ऑफ एक अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना कस्टमर्स के लिए और इन टर्म्स ऑफ बिजनेस वैल्यू और बिजनेस ग्रोथ। कि आज अगर एक नो डाउट आपको अगर एक ब्रांड के साथ एसोसिएट होना है जैसे कोई भी हीरो होंडा यामाहा बजाज केटीएम ये सारे ब्रांड्स के इन्वेस्टमेंट्स भी 35 से 40 लाख रुपए हो जाते हैं और इनके इंफ्रास्ट्रक्चर भी बहुत बड़े बड़े हो जाते हैं। मतलब टेक्निकली इनको 2,000-1,500 स्क्वायर फीट की जगह लगती है और काफी सारी चीजें डायनेमिक्स इसमें हैवी हो जाती है। सो दैट्स द रीजन हमने एक पैरेलल कंपनी 2015 में स्टार्ट किया जहाँ पे हम कस्टमर के घर पे जाके सर्विस करते हैं। तो हमारी जो पेरेंट कंपनी है उसका नाम है गराज वर्क्स। तो गराज वर्क्स में बेसिकली हमने 2015 से अब तक हमने टोटल 1 लाख गाड़ियों का सर्विस कर दिया है। वी आर प्रेजेंट इन बॉम्बे पूना एंड मैंगलोर। हम 3 सिटीज में प्रेजेंट है और हमने काफी इन डिटेल जाके ये पूरी सर्विसेज को टेक्नोलॉजी ड्रिवन करने की ट्राई किया कि जहाँ पे मैं टेक्नोलॉजी इंटरवेंशन ज्यादा रखू और ह्यूमन इंटरवेंशन कम रखू एंड पूरा स्टैटिस्टिकली ये चीज घूमता है और एक अच्छा खासा इनकम फ्रेंचाइजी ओनर को छूट जाता है। तो ये 5 साल में हमने 1 लाख गाड़ियों का काम कर दिया। उसके बाद हमने सोचा कि यार हमको ये इंडस्ट्री से इतना फायदा हुआ है सो व्हाई नॉट ब्रिंग पीपल इन दिस इंडस्ट्री, व्हाई नॉट कम विद अ फ्रेंचाइजी मॉडल जहाँ पे एक अच्छे से मिनिमम इन्वेस्टमेंट में आप लोगों को लेके आते हो, उनको पूरा हैंड होल्डिंग देते हो, उनको पूरा सपोर्ट देते हो, उनको सारे पैरामीटर्स पे आप साथ में उनका हाथ पकड़ के चलते हो और एक अच्छा बिजनेस प्रपोजिशन खड़ा हो जाता है। सो दैट्स द रीजन वी हैव लॉन्च्ड बाइक दोस्त जिसको हम बोलते हैं इंडिया स्मार्टेस्ट टू व्हीलर सर्विसेज। सो आई विल क्विकली टेक यू थ्रू द प्रेजेंटेशन। आप प्रेजेंटेशन आराम से देखिए। मेरा मानना है कि ये इंडस्ट्री का आज के तारीख में दिस इज द राइट टाइम टू गेट इन टू द इंडस्ट्री। अगर अगले 1 महीने के अंदर आप पूरा ये इंडस्ट्री में घुस जाते हो तो आगे के 5 साल 10 साल ये इंडस्ट्री के काफी प्रॉमिसिंग लग रहे हैं और काफी इन टर्म्स ऑफ फ्रेंचाइजी डेवलपमेंट और इन टर्म्स ऑफ फ्रेंचाइजी इनकम ये काफी एक अच्छा प्रपोजिशन डेवलप करके दिखाएगा। सो लेट अस स्टार्ट द प्रेजेंटेशन एंड वंस अगेन मैं आपको तहे दिल से थैंक यू कहता हूँ कि आज के दोपहर आपने हमारे साथ ज्वाइन किया। सो लेट मी टेक यू टू द प्रेजेंटेशन। सो बाइक दोस्त इज इंडिया स्मार्टेस्ट टू व्हीलर सर्विसेस, दैट्स वॉट वी कॉल्ड इट। थैंक यू फॉर अटेंडिंग वंस अगेन। व्हाट इज दिस वेबिनार अबाउट? स्ट्रेट टू द पॉइंट, मैं आपको पूरा बिजनेस मॉडल आपको मैं बाइक सर्विस का एक्सप्लेन करूंगा कि बाइक सर्विस का मॉडल इंडिया में कैसे चलता है और कैसे आप 15 से 20 दिन के अंदर ये इंडस्ट्री को ज्वाइन कर सकते हैं। मैं आपको बताऊंगा कि ये एवर ग्रोइंग इंडस्ट्री क्यों है, रिसेशन प्रूफ इंडस्ट्री क्यों है, या तो आज के तारीख में जैसे ये कोविड का पूरा माहौल चल रहा है तो ये कोविड प्रूफ इंडस्ट्री भी क्यों है। और आपको मैं हर एक टूल्स और हर एक चीजें बताऊंगा जिसे आप आपका एक टू व्हीलर का सर्विस सेंटर और टू व्हीलर का फ्रेंचाइजी मॉडल भी तुरंत चालू कर सकते हो। और एंड में
बाइक दोस्त का फ्रेंचाइजी मॉडल मैं आपको बताऊंगा। मेरे बारे में मोटा मोटा मैंने आपको बता दिया, आई एम अ मैकेनिकल इंजीनियर बाय एडुकेशन। 2010 में मैं 55,000 स्टूडेंट्स से मैं नंबर वन आया था ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग में। मैंने मेरा फैमिली का हीरो का जो मोटरसाइकिल डीलरशिप है 2010 में मैंने ज्वाइन किया। 2012 से 2015 में आई वेंट ऑन अ लर्निंग कर्व। लर्निंग कर्व का क्या होता है, अपने आप पे आप पैसा डालते हो और बहुत सारी चीजें आप सीखते हो और बाद में सीखने के बाद आप अपने बिजनेस पे इंप्लीमेंट करते हो। ये इंप्लीमेंटेशन से क्या होता है, आपका बिजनेस ऑटो मोड पे चला जाता है। ऑटो मोड का मतलब है आपको डे टू डे इन्वॉल्वमेंट की जरूरत नहीं पड़ती है, मतलब डे टू डे रिव्यूज और मैकेनिज्म से आप आपका बिजनेस बढ़ा सकते हो। 2015 में मैंने एक सेकेंड बाइक का स्टार्ट दो स्टेप स्टार्ट का डीलरशिप है। अच्छा पिक्चर्स, अगर आपके पास क्वेश्चन है प्लीज आप एक पेपर पे नोट डाउन करिए। आप वेबिनार में रेज हैंड भी कर सकते हो, आप रेज हैंड करेंगे तो हमको भी पता चल जाएगा कि आपके कुछ क्वेश्चंस है और हमने एंड में एक क्वेश्चन एंड आंसर सेशन रखा हुआ है, सो यू कैन स्टे टिल द एंड। आप एंड तक रुकेंगे तो साथ में मिल हम आपके क्वेश्चंस भी सॉल्व करेंगे। मॉडल है जो मैंने आपको बताया, हीरो का टू व्हीलर का एक हमारा पूरा कांदिवली में बॉम्बे एरिया में हीरो का एक पूरा सेल्स और सर्विस का बिजनेस हमारा है। तो आप देख सकते हो ग्राउंड फ्लोर पे पूरा हमारा सर्विसिंग का एक्टिविटी है और फर्स्ट फ्लोर पे हमारा सेल्स का एक्टिविटी है। तो हियर यू कैन सी द बाइक रैंप। ये जो रैंप है यहाँ पे टेक्निकली बाइक्स को हम पार्क करके बाद में इस पे बाइक का पूरा सर्विसिंग का एक्टिविटी होता है। ये हमारे एक सीनियर टीम है, टेक्नीशियन टीम है, जहाँ पे पूरा गाड़ियों का मेजर काम ये पूरा अपने अंडर सुपरविजन में करते हैं। एक टेलीकॉलिंग का टीम बनता है जहाँ पे टेलीकॉलर्स पूरा कॉल करके कस्टमर्स को कंटिन्यूस बेसिस पे सेल्स हो गया या सर्विस हो गया, इंश्योरेंस हो गया, तो कॉल कर करके इनवाइट कर करके कस्टमर्स के साथ अलग अलग बिजनेस के बारे में ये करते हैं। ये हमारे एक मैनेजर्स का टीम है जो पूरा एक वर्कशॉप का एक्टिविटी देखते हैं। एक स्पेयर पार्ट का रूम होता है टिपिकली एक टू व्हीलर के वर्कशॉप में, एक स्पेयर पार्ट का रूम होता है जहाँ पे स्पेयर पार्ट पूरा स्टोरेज किए जाते हैं, और एक वॉशिंग का एरिया होता है। वॉशिंग के एरिया में बेसिकली गाड़ी का वॉश होता है। बेसिकली ये पर्टिकुलर मेन डिपार्टमेंट होता है एक ऑर्गेनाइजेशन का। टू व्हीलर में अगर आपको एक फ्रेंचाइजी मॉडल में आना है तो वॉशिंग इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पैरामीटर। ये आप देखो कि वॉशिंग का एक फोटो मैंने अंदर से लिया हुआ है जहाँ पे एक टेक्नीशियन वॉशिंग कर रहा है गाड़ी का, और राइट हैंड साइड पे आप देख सकते हो ब्लू कलर का एक पाइप है जहां पे प्रॉपर एक पूरा ये वॉशिंग का ये आगे हो जाता है। सो दिस इज द सेल्स एरिया ऑन द फर्स्ट फ्लोर। सेल्स में बेसिकली जैसे हीरो का ब्रांड आपको पता होगा, हीरो होंडा का पूरे जो टाइप्स है, स्प्लेंडर, पैशन, मैस्ट्रो, सीबीसी, ये सारे प्रोडक्ट्स है, तो ये पूरा सेलिंग यहाँ पे पूरा होता है फर्स्ट फ्लोर पे। और ये मेरा एक पूरा सेल्स का टीम है जो पूरा सेल्स के ऑपरेशंस का टेक केयर करते हैं, मतलब देख टेक केयर ऑफ द एंटायर सेल्स डिपार्टमेंट, और ये पूरा वॉल्यूम बेस्ड बिजनेस करते हैं। सो व्हाट आर द कंटेंट्स, मैं आपको बताऊंगा टू व्हीलर का सर्विस का लेआउट कैसा है, मार्केट का आज का क्या साइज है, क्या पोटेंशियल है मार्केट में, क्या प्रॉब्लम चल रहा है, बाइक्स के फ्रेंचाइजी मॉडल पे बात करेंगे। सो वी आर द लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर ऑफ टू व्हीलर्स इन द वर्ल्ड। इंडिया में पूरा इंडिया में वी आर द वर्ल्ड में वी आर द लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर। पीपल आर मोर वैल्यू कॉन्शियस, अपनी गाड़ी किसी को 2 महीने में, एंड दैट्स द रीजन इट क्रिएट्स अ पॉजिटिव पोटेंशियल इन टर्म्स ऑफ बिजनेस सर्विस ऑपरेशंस। वी आर द अनएंडिंग सेल्स फ्रॉम ओईएम, मतलब हीरो को भी नंबर वन आना है, होंडा को भी नंबर वन आना है, यामा को भी नंबर वन रहना है, तो इनके जो अनलिमिटेड नंबर गेम के वजह से कंटिन्यूस बेसिस पे ये लोग प्रोडक्ट पोर्टफोलियो ऐड करते रहते हैं, और प्रोडक्ट पोर्टफोलियो ऐड करते हैं या फिर नए नए वेरिएंट्स लाते हैं, और कस्टमर के लिए एक बहुत बड़ा पेन एरिया है। बेसिकली कस्टमर को ऑथराइज्ड वारंटी पीरियड वो जाता है, जैसे ही वारंटी पीरियड खत्म होती है वो अपने आसपास एक लोकल गैराज ढूंढ लेता है, लोकल गैराज में सर्विस करवाना चालू कर देता है। सो टेक्निकली देयर इज अ गैप। सो बेसिकली इंडिया टू
न्यूजीलैंड का टोटल पॉपुलेशन आज के तारीख में 25 करोड़ का रोड पे चल रही है, होने वाला है 40 करोड़ तक। ये पब्लिक का कंजेशन बढ़ रहा है, गिग इकोनॉमी का मतलब जैसे आप स्विगी हो गया, जोमेटो हो गया, फ्लिपकार्ट हो गया, स्नैपडील हो गया, ये जो गिग इकोनॉमी है इसके वजह से आपका और 4 करोड़ गाड़ियां बढ़ने वाली है। स्मार्ट सिटीज का कंसेप्ट आ रहा है, जैसे आज छोटे छोटे टाउन्स में भी धीरे धीरे स्मार्ट सिटीज का कंसेप्ट और इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो रहा है, और कोरोना का जो इफेक्ट है, हर एक बंदे को अपना एक पर्सनल मोबिलिटी चाहिए, तो ये सारी चीजों से टू व्हीलर का पॉपुलेशन आगे और भी बढ़ने वाला है। मार्केट का साइज है 20 मिलियन, टू व्हीलर इंडिया भर में बिकती है हर महीने में, 15 से 20 लाख गाड़ियां टू व्हीलर इंडिया में बिक रही है, हर एक सोर्सेज मिला के अप्रोक्सीमेटली 420 मिलियन सर्विसेज हो रही है, मतलब 3.5 करोड़ एक महीने में हर एक वर्कशॉप में, इंडिया ऑथोराइज हो या नॉन ऑथोराइज, 3.5 करोड़ गाड़ियां सर्विस हो रही है। इंडिया में टोटल 16 करोड़ गाड़ियां है जिसको 40 करोड़ सर्विस हर साल लगती है, विच इज 3.5 करोड़। तो मान के चलिए कि अगर हमारे 90,000 वर्कशॉप है, ये मोटा मोटा मैं एक फिगर पकड़ रहा हूँ इंडस्ट्री सोर्सेज के हिसाब से, अगर 90,000 वर्कशॉप भी हो जाते हैं तो एक आउटलेट पे 400 गाड़ियों का पोटेंशियल है। तो आप अगर एक आपका खुद का वर्कशॉप डालते हो, एक अच्छा सा 400-500 स्क्वायर फीट का वर्कशॉप आप आपके टाउन में डालते हो, तो मोटा मोटा आपको वो आउटलेट को 400 गाड़ियों तक आप लेके जा सकते हो, और 400 गाड़ियों में अच्छा खासा मार्जिन मिलता है। 400 गाड़ी आपके आउटलेट पे मोटा मोटा 1 से 1.5 साल में हम ये फ्रेंचाइजी मॉडल पे ला सकते हैं, और एक अच्छा खासा प्रॉफिट आप आपके घर पे लेके जा सकते हो। सो दिस इज द मार्केट साइज एंड पोटेंशियल, एंड द बेस्ट पार्ट इज इट इज अ हाई ग्रॉस प्रॉफिट बिजनेस। आप में से कुछ लोग अगर आज भी बिजनेस करते हो तो आपने देखा होगा कभी कभी 20,000-30,000 के बिलिंग में मार्जिन 1,000-2,000 मिलता है, 10-15% मार्जिन के धंधे है। इट इज अ 50% ग्रॉस मार्जिन बिजनेस, जहाँ पे अगर 1,000 रुपए का सर्विसिंग का बिल बनता है तो मोटा मोटा 500 रुपए मार्जिन रहता है आपका। महीने भर में अगर 2 लाख का बिलिंग बनता है तो मोटा मोटा 1 लाख आपका ग्रॉस मार्जिन होता है, एंड इट इज अ कैश बिजनेस। मतलब आपसे अगर कस्टमर शाम को सर्विसिंग करवा के लेके जाता है तो तुरंत आपको कैश मिल जाती है। आपको मैन्युफैक्चरिंग लाइन पता होगा जहाँ पे कहीं पे 3 महीना, 6 महीने, 9 महीने की उधारी चलती है, ये उधारी वाला बिजनेस नहीं है, इट इज नॉट अ क्रेडिट बिजनेस, इट इज अ कैश बिजनेस। बट मार्केट का आज प्रॉब्लम क्या है, ऑथोराइज आउटलेट्स पे बहुत हाई चार्जेस कस्टमर से लिए जाते हैं, और बिकॉज ऑफ दिस लोकल मैकेनिक और लोकल गैरेजेस भी बहुत ज्यादा चार्जेस लेने लगते हैं, तो ऑथोराइज चैनल में कस्टमर वारंटी पीरियड तक जाते हैं। जब मेरी फ्री सर्विस खत्म हो गई तो मैं अपने आजू बाजू कोई लोकल वर्कशॉप ढूंढ लूंगा और मैं वहां पे जाके अपना काम करवा लेता हूँ। तो ऑथोराइज में बेसिकली सर्विस रिडेम्पशन 20% से भी कम है। अगर उनके आउटलेट पे बेसिकली अगर 100 गाड़ियों का आना चाहिए, 20 गाड़ी ही आती है, और जेन्युइनिटी इज ऑलवेज द क्वेश्चन, ट्रस्ट फैक्टर इज ऑलवेज अ क्वेश्चन। तो ट्रांसपेरेंसी, ट्रस्ट फैक्टर कुछ भी नहीं है, और आप अगर देखोगे तो टेक्निकली यहाँ पे बहुत चैलेंजिंग हो जाता है बिजनेस करना और बिजनेस को ऑपरेट करना है, तो ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। ये प्रॉब्लम को अगर मैं एक इसमें डिवाइड करूँ तो टेक्निकली आप चार्जेस बहुत ज्यादा है, लोकल में भी हाई है जेन्युइनिटी, ऑथोराइज पे आप फिर भी थोड़ा थोड़ा जेन्युइनली ट्रस्ट कर सकते हो, बट लोकल में तो जरा भी ट्रस्टवर्दी नहीं है। अगर आप ये चीज दे गैरेज में तो कोई अश्योरिटी नहीं है। अगर आप कन्वीनियंस देखो तो ऑथोराइज इज नॉट कन्वीनियंट, और आप अगर लोकल देखो तो कन्वीनियंट होता है क्योंकि आपके घर के पास होता है। वारंटी और फ्री सर्विस के इश्यूज आपके आपके यहाँ पे हो जाते हैं ऑथोराइज में हो जाते हैं, बट आपके लोकल गैराजेस में फ्री सर्विस और वारंटी आपको नहीं मिलती है। देयर इज अ अपॉर्चुनिटी गैप, देयर इज अ बिग बिग अपॉर्चुनिटी गैप। ये गैप को अगर आपने भरते हो, अगर ये गैप में नेक्स्ट 5 साल में अगर 5,000-10,000 लोग भी आ जाते हैं तो भी बहुत एक बड़ा अपॉर्चुनिटी गैप है। और बेस्ट पार्ट है कि आपको ऑटोमोबाइल बैकग्राउंड से होने की कोई जरूरत नहीं है, इट इज बिजनेस मैनेजमेंट। ऐसा नहीं है कि आपको टेक्निकल नॉलेज चाहिए या ऑटोमोबाइल का नॉलेज चाहिए तो ही आप ये चीज में काम कर सकते हो, इट इज बिजनेस मैनेजमेंट। और यहाँ पे आप अगर आ जाते हो तो धीरे धीरे ग्रेजुअली आप इसको एक्सपेंशन मोड पे भी लेके जा सकते हो। सो दैट इज द होल आइडिया, एंड दैट इज वेयर वी कम एज अ फ्रेंचाइजी मॉडल, दैट इज वेयर वी कम इन टू पिक्चर। सो प्रेजेंटिंग बाइक दोस्त विच इज इंडिया स्मार्टेस्ट टू व्हीलर सर्विस, हम लोग का एक टेक्नोलॉजी अनेबल्ड नेटवर्क ऑफ टू व्हीलर वर्कशॉप है जहाँ पे वी कैन गिव द बेस्ट इन क्लास सर्विसेज टू द कस्टमर। और एक ये सर्विस डिलीवरी मॉडल हो जाता है जहाँ पे सर्विस मीट्स टेक्नोलॉजी।
हर चीज में टेक्नोलॉजी ड्रिवन काम होता है। आज काफी सारे लोग हैं मार्केट में जो फ्रेंचाइजी मॉडल पे काम कर रहे हैं, बट कहीं ना कहीं टेक्नोलॉजी इज अ मेजर हिंड्रेंस। सो आवर्स इज अ 360 डिग्री टूल्स मैनेजमेंट सिस्टम। तो ये कुछ कुछ 3D इमेजेस मैं आपको दिखा रहा हूँ बाइक दोस्त के फ्रेंचाइजी मॉडल के। अगर आप एक फ्रेंचाइजी मॉडल में आगे जाते हो तो मोटा मोटा आपका ये फ्रंट का लेआउट बनता है। ये एक रिसेप्शन टेबल आपका बनता है, जहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड एक रिसेप्शनिस्ट बैठती है और कस्टमर उसको यहाँ पे एंटरटेन हो सकता है। राइट साइड आप देखोगे एक आपका सीनियर बंदा बैठ सकता है, जो कस्टमर के साथ मॉर्निंग में जॉब कार्ड ओपनिंग के टाइम पे या क्लोजिंग के टाइम पे डील कर सकता है। ये आपका ऑफिस का व्यू होगा एक अलग एंगल से, और रिसेप्शन का जैसे मैंने आपको बताया, ये आपका प्रॉपर एक वर्कशॉप का एरिया हो जाता है, जहाँ पे 4 रैम्प आपको दिख रहे हैं, जहाँ पे एक बाइक को आप सर्विस करने का पूरा एक स्पेस बना सकते हो, और एक बाजू आपका टूल्स एंड मशीनरी का पूरा स्टोरेज हो जाता है। ये आपका वर्कशॉप का एरिया फ्रॉम अ डिफरेंट एंगल। जो राइट हैंड साइड पे आपको गाड़ी दिख रही है, उसके पीछे जो कांच है, दैट इज अ वॉशिंग एरिया, जहाँ पे गाड़ियों का पूरा वॉशिंग का पूरा प्रोसेस होता है। दिस यू कैन सी अ 3D अगर इमेज ऑफ द होल वर्कशॉप, जहाँ पे रैम्प आपको दिख रहा है, आपको टूल्स का ट्रॉली दिख रहा है, मतलब 2 रैम्प के बीच में टूल का एक ट्रॉली होता है, जहाँ पे आप टूल्स को पूरा स्टोरेज कर सकते हो और आपका पूरा एक डिस्प्ले बन जाता है। दिस इज द वर्कशॉप व्यू फ्रॉम अ डिफरेंट एंगल, जहाँ पे बैक साइड पे आपको दूसरे भी स्पार्क प्लग चार्जर और बैटरी चार्जर्स और अलग अलग मशीनरीज आपको दिख रही है। ये आपका एक छोटा स्पेयर पार्ट का स्टोरेज हो जाता है, जहाँ पे स्पेयर पार्ट्स और वो सब आप आराम से स्टोर कर सकते हो। एक वॉशिंग का डिपार्टमेंट जैसे आपको बोला, जहाँ पे बाइक आप ये लिफ्टिंग जैक में रख के आप पूरा वॉशिंग का एक्टिविटी कर सकते हो। दीज आर अदर मिसलेनियस टूल्स एंड मशीनरीज व्हाट यू हैव टू बाय। और ये पूरा टूल्स मशीनरी फुल्ली लोडेड आप आपके वर्कशॉप का बना देते हो, सो दैट व्हेन यू रीच 150, 200, 300, 400 रिपोर्टिंग, 400 रिपोर्टिंग मतलब मोटा मोटा आपका दिन का 13 या 14 गाड़ी हो जाते हैं। दैट इज अ पीक पोटेंशियल, दैट इज अ पीक पोटेंशियल। आपको वो लेवल पे आपके वर्कशॉप को लेके जाना पड़ता है। तो ये एक पूरा लेआउट हो गया आपका, जहाँ पे आप देख सकते हो फ्रंट एंड साइड से लेफ्ट एंड साइड बॉटम इज द वॉशिंग, लेफ्ट एंड साइड ऊपर की बाजू 4 बे है, राइट हैंड साइड ऊपर की बाजू स्पेयर पार्ट का स्टोर है, और राइट हैंड साइड नीचे रिसेप्शनिस्ट और सर्विस मैनेजर का एरिया है, या फिर आप बोल सकते हो ओनर का केबिन बन जाता है, कि आप अगर एक ओनर हो तो आपका भी एक पूरा केबिन बन जाता है। सो आवर पेरेंट कंपनी, जैसे मैंने बताया गराज वर्क्स करके, विच इज अवर पेरेंट कंपनी, जो 2015 से है, हमने ऑलरेडी 2015 से आज तक 1 लाख गाड़ियों का सर्विस हमने 4.5 साल में कर दिया है। 98,000 व्हीकल्स वी हैव ऑलरेडी डन। वी आर प्रेजेंट इन पुणे, मुंबई एंड बैंगलोर, वी आर प्रेजेंट इन 3 सिटीज। हम 15 ब्रांड के साथ एसोसिएटेड है B2B में। अगर आप हमारी फ्रेंचाइजी लेते हो, B2B का मतलब क्या होता है, बिजनेस टू बिजनेस, तो हमने काफी सारे लोगों से टाई अप किया। जैसे ये 3 सिटीज में हमारा डोमिनोज के साथ काम चालू है। डोमिनोज की बॉम्बे की 1100 गाड़ियां हम कर रहे हैं, पूना की अमुक अमुक गाड़ी हम कर रहे हैं, और जो सिटी में हम जाएंगे वो सिटी में हम डोमिनोज पिज्जाज के साथ टाई अप करेंगे। हमारा काफी इंश्योरेंस कंपनीज के साथ पैन इंडिया टाई अप है। तो ये इंश्योरेंस कंपनी में जो क्लेम का काम आता है, जब गाड़ियों का एक्सीडेंट होता है, तो गाड़ियों का कस्टमर अपना गाड़ी का एक्सीडेंट का क्लेम रजिस्टर करता है, और ये क्लेम रजिस्टर की जो इंश्योरेंस कंपनीज है, ये इंश्योरेंस कंपनीज हमारे साथ टाई अप करती है, जिससे हम ये इंश्योरेंस का बिजनेस हमारे फ्रेंचाइजीज को डाइवर्ट कर सके। और आपको पता होगा एक्सीडेंटल गाड़ियों में बिलिंग भी ज्यादा होता है, अमुक अमुक 6,000, 8,000, 10,000, 15,000, 25,000 का भी बिलिंग एक गाड़ी में होता है। तो वी हैव अ टाई अप विद रिन्यू बाय, रिलायंस, एडलवाइस, व्हील CMI और बाकी स्विगी। स्विगी आप एज अ ब्रांड आपको पता है, स्विगी जोमेटो दोनों के साथ हमारा टाई अप है। तो B2B से काफी सारा बिजनेस हम आपके वर्कशॉप में डाइवर्ट करेंगे। वी हैव डेवलप्ड इंडियाज फर्स्ट नॉन ओबीडी डायग्नोस्टिक टूल। नॉन ओबीडी टूल मतलब आपके गाड़ी में वो टूल लगाने के बाद वो गाड़ी में क्या प्रॉब्लम है वो आपका टूल डिटेक्ट करता है। तो जैसे मैंने बताया, वी आर इंडिया स्मार्टेस्ट टू व्हीलर सर्विस प्रोवाइडर। हम ऐसे ही अपने आपको स्मार्टेस्ट नहीं बोलते, हमने ऐसा एक टूल डेवलप किया है जिससे वो गाड़ी में क्या प्रॉब्लम है वो इमिडिएटली वो टूल पे पता चल जाता है। एंड वी आर इंडिया ओनली एंड द फर्स्ट कंपनी टू डू दिस। एंड वी हैव अ सप्लाई चेन मैनेजमेंट टाई अप विद मेनी कंपनीज पैन इंडिया। तो जैसे ये सब ब्रांड्स है, मोबिल हो गया, सीएट हो गया, रैल्को हो गया, एंड्योरेंस हो गया, ये सारी कंपनियों के साथ हमारा टाई अप है, जिससे रनिंग स्पेयर पार्ट हम आपके आप नॉर्थ में ले लो, कोलकाता में ले लो, आप साउथ में फ्रेंचाइजी ले लो, आप जम्मू कश्मीर में, आप कोई भी स्टेट में, कोई भी सिटी में आप फ्रेंचाइजी लेते हो, तो हम आपके
डोस्टेट तक स्पेयर पार्ट सप्लाई करने का काम मैनेज कर सकते हैं। दिस इज द सपोर्टिंग टीम धवल शेट माइसेल्फ, मैंने जैसे बताया आई एम द डायरेक्टर ऑफ दिस कंपनी, वी हैव अ डेटा साइंटिस्ट एंड अनदर डायरेक्टर मिस्टर रविशंकर, और हमारे बोर्ड मेंबर्स है शिशिर गांधी और प्रबोध कक्कर, दे टेक केयर ऑफ द गराज वर्क्स कंपनी इन पूना, जहाँ पे एक उनके सीईओ है और एक उनके चीफ मार्केटिंग ऑफिसर है, और ये पूरा कंबाइंड हमारा चार लोगों का टीम है जो पॉजिटिवली ये पूरे बिजनेस को आगे लेके जाने वाला है। सो फाउंडिंग टीम हैज अ कंबाइंड एक्सपीरियंस ऑफ 62 इयर्स, हमारा पूरे टीम का कंबाइंड एक्सपीरियंस 62 इयर्स का है। तो न्यू इनिशिएटिव्स हम टेक्निकली क्या ले रहे हैं, न्यू टेक्नोलॉजी हम लाएंगे जिससे प्रोटोटाइप सर्विस प्रोटोकॉल बनते जाएंगे, जिससे कस्टमर का सेटिस्फेक्शन आगे बढ़ता जाएगा, ऑटोमेटेड और प्रोएक्टिव कस्टमर एंगेजमेंट, मतलब कुछ ना कुछ करके हम होलिस्टिक सॉल्यूशंस लाते जाएंगे जिससे कस्टमर्स का पूरा एक अलग ही लेवल पे उसका पूरा ये लेके जाएंगे, ब्रांड एफिलिएशंस करेंगे जिससे कस्टमर फुटफॉल, बड़ी बड़ी ब्रांड्स के साथ हम कंटिन्यूस टच, जैसे हमारे काफी सारे ऑयल कंपनी के साथ ऑलरेडी बात चल रहा है, मेरी कोई भी फ्रेंचाइजी खुलेगी तो मेरा भी ट्रेनिंग उनको होगा, मेरी कंपनी का होगा, प्लस जैसे ऑयल का ब्रांड है मोबिल, पार्ट्स का ब्रांड है एंड्यूरेंस, इन लोग के भी काफी सारे टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट्स और ट्रेनिंग मॉड्यूल्स आपके साथ हम करेंगे, और सप्लाई चेन एक क्वालिटी स्पेयर पार्ट हमारा ऑलरेडी सेट है जिसको हम ये करेंगे, और मल्टीपल सोर्सेज ऑफ इनकम बढ़ाएंगे। एक फ्रेंचाइजी के अंदर मल्टीपल सोर्सेज ऑफ इनकम कैसे अपने को लाना है वो 360 डिग्री कस्टमर एंगेजमेंट से आता जाएगा। हमको अपने चैनल पार्टनर में क्या चाहिए, देखो हम ये पूरा मॉडल ट्रस्ट बेसिस पे खड़ा कर रहे हैं, एक ट्रस्ट और एक रिलेशनशिप के मॉड्यूल पे हमको ये पूरा बिजनेस खड़ा करना है, तो वी वॉन्ट पीपल लाइक अस, हमारा जो फ्रेंचाइजी हो वो भी एक ऑनेस्ट और हार्ड वर्किंग बंदा होना चाहिए, उसके अंदर एक बिजनेस माइंडसेट होना चाहिए, एथिकली वो बाउंडेड होना चाहिए, ही शुड नॉट बी अ शॉर्टकट पर्सन, बेसिक एकेडमिक क्वालिफिकेशन उसको होना चाहिए, 10 से 12 लाख का टोटल इन्वेस्टमेंट है, ये मैंने हायर साइड पे पकड़ा हुआ, मैं आपको एग्जैक्ट इन्वेस्टमेंट आगे की स्लाइड्स में बताऊंगा, 250 स्क्वायर फीट से 400 से 600 स्क्वायर फीट आप यहाँ पे ले सकते हो, एंड ही शुड बी पैशनेट अबाउट बिजनेस, ऑटोमोबाइल बिजनेस में उसको और एक अंदर से रुचि आनी चाहिए, एंड ही शुड एम्ब्रेस टेक्नोलॉजी, और अडेप्टिव नेचर होना चाहिए, कंटिन्यूस उनका एक लर्निंग का नेचर होना चाहिए जो सारे सिस्टम्स और प्रोसेस को फॉलो करे, और रीजनेबल फाइनेंशियल बैकग्राउंड और कस्टमर फर्स्ट एटीट्यूड, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, कस्टमर फर्स्ट, सबसे पहला कस्टमर, मैं भी बाद में, मेरी दुकान बाद में, मेरी फ्रेंचाइजी बाद में, बट कस्टमर सबसे पहले, और कंपनी है तो बेसिकली वी वॉन्ट सिमिलर पीपल लाइक अस, हम एक बहुत अच्छे इंटेंशन से ये फ्रेंचाइजी मॉडल को डेवलप कर रहे हैं, तो वैसे ही लोग हमको चाहिए जो हमारे साथ एक भरोसे के साथ जुड़े और हम आने वाले 20-25 साल में बहुत अच्छी एक कंपनी डेवलप कर दें, और हमारा एज अ कंपनी ये इंटेंशन रहता है कि कितना जल्दी आप आपके पर्टिकुलर फ्रेंचाइजी से 1 लाख रुपए कमाने लगो, फॉर दैट वी वॉन्ट एक्सट्रीमली लाइक माइंडेड पीपल, हमारा हमारा बहुत ज्यादा एनर्जी ये चीज में जाएगा कि आपके आउटलेट का रिपोर्टिंग कितना जल्दी बढ़े, और रिपोर्टिंग बढ़ने के बाद आप आपके आउटलेट से मिनिमम 1 लाख रुपए कैसे आप लेके जाइए, सो दैट्स आवर होल इंटेंशन। एक फ्रेंचाइजी का केस स्टडी मैं आपको बता रहा हूँ जो मिस्टर विशाल करके, ही इज ऑलरेडी रनिंग अ टू व्हीलर बिजनेस इन भाईंदर एरिया ऑफ मुंबई, और इनके यहाँ पे आज के तारीख में भी 7 से 8 गाड़ी का रिपोर्टिंग है, इन्होंने 1-1.5 साल पहले ये चीज चालू किया है, 6 महीने के अंदर इन्होंने ब्रेक इवन कर दिया, इनको 30,000 रुपए सर्विस ऑपरेशन से मिलने लगे, और आज के तारीख में 65,000 खाली सर्विस ऑपरेशन से इनको मिल रहा है, सेल्स तो अलग हो गया, जो गाड़ियों का उनका सेल्स हो रहा है वो तो अलग हो गया, एंड ही इज प्लानिंग टू शिफ्ट टू बाइक दोस्त, ये हमारा एक केस स्टडी है, वी हैव मेनी फ्रेंचाइजीज इन पाइपलाइन जो आज के तारीख में 2 महीने के अंदर हमारी लाइव हो जाएगी। तो बाइक दोस्त का आउटलेट अगर आपको सेटअप करना है तो क्या स्टेप्स है, मैं आपको कमर्शियल्स आगे बताऊंगा, पहले मैं आपको स्टेप्स बता देता हूँ, 10-15 मिनट में हमारा ये वेबिनार खत्म हो जाएगा, एंड देन वी विल स्टार्ट फॉर क्वेश्चन एंड आंसर्स। सो बेसिकली जो इनिशियल पेपर वर्क है वो आप और हम मिलके करेंगे, वो होने के बाद एक स्पॉट आइडेंटिफिकेशन होता है, जो जगह आपको ढूंढना है वो आप ढूंढोगे, हम हमारा पूरा उसके जगह ढूंढने में आपको इनपुट्स रहेगा और हमारा पूरा मदद रहेगा, फिर उसका जो सेटअप है इंटीरियर का काम और सिविल का काम वो हमको साथ में मिलके करना है, आपके आउटलेट का टूल्स और मशीनरी का पूरा सेटअप हम आपको करके देंगे, आपके आउटलेट में जो टीम बनेगी आपके आउटलेट में, द मेन पार्ट ऑफ द फ्रेंचाइजी मॉडल, आपके आउटलेट में जो लोग आपको हायर करना है वो हम आपको करके देंगे,
आपको कहीं पे आदमी हायर करने के लिए यहाँ वहाँ भटकना नहीं है, और बाद में एक ऑफिशियल एग्रीमेंट साइन करने के बाद हम लाइव जाएंगे। सो बेसिकली 25-30 दिन के अंदर गो लाइव आपका पूरा मॉडल स्टार्ट हो सकता है। और स्पॉट आइडेंटिफिकेशन हमको करना है न्यू डेवलप रेसिडेंशियल एरिया या एस्टेब्लिश ऑफिस एरिया में। माइक्रोस के साथ आपको आगे क्यों बढ़ना चाहिए, जैसे मैंने बताया वी आर एथिकल एंड प्रिंसिपल टीम विच ह्यूज एक्सपीरियंस। हम बहुत ऑनेस्ट लोग हैं, हम 1+1 2 ही मानते हैं, हम 1+1 को 11 नहीं मानते। तो वी आर अ वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड वर्किंग पीपल एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड टीम। ये बिजनेस इज क्विक आरओआई एंड प्रॉफिटेबल बिजनेस। इसमें ग्रॉस मार्जिन बहुत ज्यादा है और नेट मार्जिन भी ज्यादा है। मैं आपको कैसे इसमें आउटपुट आपको मिलेगा मैं आपको आगे के स्लाइड्स में बताऊंगा। इट इज अ ह्यूज पोटेंशियल बिजनेस, एवरीथिंग वी कैन डू। आपने एक बार डिसाइड कर लिया, वहां से लेके आपका इनोग्रेशन तक एवरीथिंग बाइक दोस्त आपको करके दे सकता है। स्टार्ट टू एंड सब कुछ हम आपको करके दे सकते हैं। सेल्स एंड मार्केटिंग का कंटिन्यूस आपको सपोर्ट रहता है और एक हैंड होल्डिंग रहता है, एक आपका हाथ पकड़ के ये बिजनेस में आपको फ्लरिश करवाने तक का पूरा हैंड होल्डिंग हमारा रहता है। और जैसे मैंने बताया कॉर्पोरेट नेटवर्किंग और टाइप, हम कंटिन्यूस बेसिस में B2B सेगमेंट में अच्छी कंपनीज के साथ टाइप करके आपको बिजनेस भी ला के दे सकते हैं और आपका इनकम सोर्सेस भी हम बढ़ा सकते हैं। नो ब्रांड रॉयल्टी, डेफिनेटली हमारा एक फ्रेंचाइजी फीस है जो मैं आगे आपको बताता हूँ, बट ब्रांड रॉयल्टी नहीं है। कुछ कुछ कंपनीज है जो ब्रांड रॉयल्टी आपसे चार्ज करती है, जो हर महीने महीने आपको उनको पे करना पड़ता है। हमारे केस में आपको कोई भी फिक्स पे नहीं करना है। सेल्स एंड मार्केटिंग सपोर्ट जैसे मैंने आपको बताया, कस्टमर एंगेजमेंट के काफी प्रोग्राम्स हम कंटिन्यूस करते रहेंगे, सेंट्रलाइज टाइप्स हम कंटिन्यूस करेंगे, एंड बेस्ट इन क्लास रिवॉर्ड एंड रिकॉग्निशन। रिवॉर्ड एंड रिकॉग्निशन का मतलब क्या होता है, जब आज तो ठीक है कोरोना के चक्कर में मीटिंग्स और प्रेजेंटेशंस हो नहीं रहा है फिजिकल मीटिंग्स, बट डेफिनेटली कल उठ के जब हमारा डीलर मीटिंग होगा जिसमें हम अवार्ड एंड प्रेस, फॉर एग्जाम्पल आपने साल भर का ऑयल का टारगेट अचीव कर लिया तो आपको हमारे तरफ से हम बाहर वेकेशन के लिए भेजेंगे। आपने सपोज लेबर का टारगेट अचीव कर लिया तो मान के चलो एक होंडा एक्टिवा हम आपको गिफ्ट में देंगे, और प्लस आपका एक कंपनी में आपका एक नाम बनता है दैट यू आर कमिंग एट अ बेस्ट इन क्लास सेगमेंट इन टर्म्स ऑफ योर एरिया फ्रेंचाइजी। सो वील बिकम द मोस्ट प्रिफर्ड सर्विस प्रोवाइडर इन योर एरिया, एंड वन शॉप स्टॉप हो जाएगा। आपको आगे जाके सेकेंड हैंड गाड़ियों में डील करना है वो भी हम आपको सपोर्ट करेंगे, नए गाड़ी में डील करना है वो भी हम आपको सपोर्ट करेंगे। सो बेसिकली की डिफरेंशिएटर बाइक दोस्त और बाकी सारे बिजनेस मॉडल में, मेंटेनेंस पकड़ो, रिपेयर्स पकड़ो, इंश्योरेंस पकड़ो, क्लेम, टायर, बैटरी, वारंटी, ट्रेड, ये सारी चीजों में वी बिकम अ 360 डिग्री होलिस्टिकली सपोर्ट कंपनी। तो कुछ कंपनियों से डिफरेंस है, स्पेयर पार्ट सेल में जो हम मदद करते हैं, इंश्योरेंस, वारंटी, आरएसए, ये सब हर वर्टिकल में आते हैं, टू व्हीलर के हर वर्टिकल में आते हैं, जहां पे कोई अदर ब्रांड्स में आपको कुछ कुछ चीजें पार्शियल मिलती है। तो जैसे मैंने बताया लोकेशन आइडेंटिफिकेशन में आपका हेल्प होगा, इंटीरियर का सेटअप, ब्रांडिंग का सेटअप, बोर्ड का सेटअप, टूल्स मशीनरी का सेटअप हम करेंगे, मार्केटिंग का सपोर्ट मार्केटिंग के कैलेंडर्स के थ्रू हम करेंगे, आईटी का पूरा सपोर्ट होगा जहाँ पे पूरा आईटी का इंफ्रास्ट्रक्चर आपको हम बना के देंगे, बेस्ट इन क्लास ट्रेनिंग सपोर्ट आपको मिलेगा थ्रू आउट, ट्रबल शूटिंग, हैंड होल्डिंग, स्पेयर पार्ट, ऑयल, वैल्यू एडेड, नई गाड़ी का डीलिंग, सेकेंड हैंड गाड़ी का डीलिंग, इसके टाइप्स या तो सपोर्ट या तो सप्लाई पूरा आपको हमारे तरफ से मिलेगा। 24/7 असिस्टेंट्स, आपको एक बंदा असाइन किया जाएगा जिसको आप रात को भी कॉल कर सकते हो, वो बंदा आपका ही बंदा है, बट जिसको सैलरी हम देंगे उसको सैलरी हम देंगे बट आपका ही बंदा है, आप कभी भी उससे असिस्टेंस मांग सकते हो। एंड देन वील हैव कॉर्पोरेट टाइप एंड इंश्योरेंस कंपनी टाइप एंड फ्यूचर कोलैबोरेशन, जिससे आपका इनकम कहीं ना कहीं बढ़ता रहे। और जैसे मैंने बताया आवर होल इंटेंशन विल बी हाउ फास्ट यू स्टार्ट गेटिंग 1 लाख रुपीज फ्रॉम योर आउटलेट, आप आपके आउटलेट से 1 लाख रुपए कैसे कमाए वही हमारा पूरा इंटेंशन रहेगा। ये कुछ कुछ मार्केटिंग आइडियाज है जो हम कंटिन्यूस बेसिस पे करते रहेंगे, SMS ब्लास्ट, व्हाट्सएप मार्केटिंग, ऑनलाइन ऑफलाइन मार्केटिंग, फेसबुक एड, गूगल एड, लीड जनरेशन कंपनी से हम काम करेंगे, इंश्योरेंस कंपनीज, PUC ऑयल कंपनीज के साथ टाइप करना, लीड जनरेट करना, एक एक टेक्निकली आपका लड़कियों का कॉलिंग टीम डेवलप करना, फील्ड पे बंदों को भेजना जिससे लीड आएगी और टेलीकॉलर्स उनका गाड़ी बढ़ा सकते हैं, कॉर्पोरेट टाइप, ये सारी चीजें हम आइडियाज इंप्लीमेंट कर पाएंगे। तो दिस इज अ लिस्ट ऑफ टूल्स एंड मशीनरी जो आपको हम देंगे। सो दिस इज द एग्जॉस्टिव लिस्ट ऑफ 50+ थिंग्स, 50 से ज्यादा
किट आपको पूरा इंस्टॉल आपके यहाँ पे करके देंगे, जिससे आप 200 300 400 गाड़ी तक भी अगर आप जाते हो तो आपको टूल्स एंड मशीनरी में आगे इन्वेस्ट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो आपको एक एग्जॉस्टिव किट पूरा आपको हमारे तरफ से सप्लाई होगा, जिसमें रैम्प, एक्चुएटर, टूल बॉक्स, वर्क ब्रेंच, ग्राइंडर, ट्रॉलीज, बैटरी चार्जर, न्यूमेटिक गन, एयर गन, स्टॉपर्स, कॉम्प्रेसर्स, वॉशिंग का गन, ग्रीस गन और ऐसे काफी सारी चीजें आपको सप्लाई होगी। इंटीरियर का काम आप आपके वेंडर के थ्रू भी कर सकते हो, और आपको चाहिए कि हम करके दे तो हम भी आपका पूरा ऑफिस का सेटअप करके दे सकते हैं, जिसमें आपका पार्टीशन, प्लम्बिंग, सिविल टाइलिंग, पेंटिंग, इलेक्ट्रिकल, फॉल सीलिंग, रैक, टेबल, फर्नीचर, चेयर सब आपको हमारे तरफ से भी हम करके दे सकते हैं, बट ये ऑप्शनल है, ये आपको आपके वेंडर से भी आप करवा सकते हो। सो कमिंग टू द कमर्शियल पार्ट, हमारे यहाँ पे मेन पार्ट है जो एज ए इन्वेस्टर आप इतना टाइम निकाल के ये फ्रेंचाइजी का वेबिनार अटेंड करो, दिस इज द मेन पार्ट फॉर यू एज ए इन्वेस्टर के मैं कितना पैसा इन्वेस्ट करूंगा, मेरा महीने में कितना खर्चा होगा, एक वर्किंग कैपिटल, एक ऑपरेटिंग कैपिटल, और मेरा रिटर्न्स कहाँ से आएगा। सो दिस इज द कॉस्ट, द इनिशियल कॉस्ट व्हाट यू हैव टू इंक्लूड, या आपका एक होता है कैपिटल एक्सपेंस और एक ऑपरेटिंग एक्सपेंस। तो कैपिटल एक्सपेंस आपका ये जाएगा, जिसमें हमारे तीन मॉडल है, प्राइम, एक्सेस और बेसिक। तो जो प्राइम का मॉडल है उसका इन्वेस्टमेंट 7 लाख रुपए जाता है, एक्सेस जो ऑप्शन है उसमें 5 लाख जाता है, और बेसिक जो ऑप्शन है उसमें 5 लाख जाता है। प्राइम और एक्सेस दो मॉडल में एरिया आपको 400 के ऊपर लेना है, आप 400 ले सकते हो, 500 या 600 स्क्वायर फीट भी आप ले सकते हो, और जो बेसिक वाला ऑप्शन है वो 200 से 250 स्क्वायर फीट का ऑप्शन है। सो दैट इज बेसिकली फॉर समवन जिसको एक कम एरिया लेके चालू करना है। ऑप्शन टू उसके लिए है जिसको एरिया बड़ा लेना है बट इन्वेस्टमेंट कम करना है, और ऑप्शन वन उसके लिए है जिसको एरिया भी बड़ा लेना है, इन्वेस्टमेंट भी वो रिजनेबल कर सकता है और वो आगे बढ़ सकता है। ये जो अमाउंट है 7 लाख और 5 लाख, ये अमाउंट में जो पैरामीटर्स है, टूल्स एंड मशीनरी हो गया, ब्रांडिंग हो गया जिसमें आपका बोर्ड आ गया और आपके अंदर का पूरा 300 स्क्वायर फीट का पूरा ब्रांडिंग आ जाएगा, कोलेटरल और स्टेशनरी होगा जिसमें कंबाइंड लिस्ट है, मैं आगे आपको लिस्ट बताता हूँ, जिसमें जॉब कार्ड, मशीनरी, बिलिंग, आपका पूरा सिस्टम, आपका पूरा बिल बुक, आपका रजिस्टर, रिसीट रिपोर्ट, डायरी, पेन, स्टेशनरीज, ये सारी चीजें, आपका टैगिंग, लीफलेट, मार्केटिंग मटेरियल, आपका कैनोपी, एक एग्जॉस्टिव पूरा कंबाइंड किट है जो आपको हमारे तरफ से मिलेगा। सेल्स सपोर्ट मतलब आपके आउटलेट में गाड़ी बढ़ाने के लिए पूरा एफर्ट हम डालेंगे, वो पूरा एक मेजर रिस्पॉन्सिबिलिटी हम लेंगे, आपका भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी वो बनेगा आपके एरिया में गाड़ी बढ़ाने का, बट उसका मेजर रिस्पॉन्सिबिलिटी हम लेंगे। तो जो मार्केटिंग सपोर्ट का इन्वेस्टमेंट हम आपसे यहाँ पे पहले ही ले लेते हैं, एक मैन पावर का जो रिक्रूटमेंट का कॉस्ट हो गया, एक स्पेयर पार्ट का किट हम आपको देंगे, जिससे आपको एक फर्स्ट मंथ का पूरा किट हमारे तरफ से आएगा, जिससे आपको स्पेयर पार्ट ढूंढने के लिए मार्केट में 1 महीने के लिए आपको कहीं जाना नहीं पड़ेगा, और हमारा फ्रेंचाइजी फीस है। तो टोटल मोटा मोटा सारे पैरामीटर्स का फिगर्स अगर आप देखोगे, सपोर्ट तीनों में सेम है, तीनों मॉडल में जो सपोर्ट सिस्टम है सेम है, खाली कहीं ना कहीं द अमाउंट इज फ्लक्चुएटिंग। तो 7 लैक्स, 5 लैक्स, 5 लैक्स, ये तीन पैरामीटर्स हमारे हैं, एंड ये सारा अमाउंट आपको बाइक दोस्त को अलग अलग ट्रेंचेस में देना है, आपको ये सारा चीजें एक साथ पे नहीं करना है। एंड एक डिक्लेरेशन है, फ्रेंचाइजी फीस को छोड़ के बाइक दोस्त का कहीं पे भी फाइनेंशियल इंसेंटिव नहीं है। इसका मतलब मैंने मेरे टूल्स मशीनरी वाले से भी कुछ कमीशन ले लिया, मैंने मैन पावर की एजेंसी से कुछ कमीशन ले लिया, मैंने ब्रांडिंग के बंदे से कुछ कमीशन ले लिया, वैसा नहीं है। लेट मी टेल यू, हम ये सारा बिजनेस मॉडल जैसे मैंने बताया और मैं बार बार आपको एम्फोसिस करके बताऊंगा, ये पूरा मॉडल ट्रस्ट और रिलेशनशिप पे हम बना रहे हैं। जितना मेरे कंपनी के बारे में मुझे पता है, उतना ही मेरे कंपनी के बारे में आपको पता होगा एज अ फ्रेंचाइजी। सो टेक्निकली फ्रेंचाइजी फीस हम अपने पास लेते हैं, बाकी सारी चीजें हम आपसे फंड लेके हम डायरेक्टली उनको दे देते हैं। और हम क्यों लेते हैं, क्योंकि हम जीएसटी का बेनिफिट ले सकते हैं, आपके थ्रू वो पास होगा तो हमको जीएसटी का बेनिफिट नहीं मिलेगा। सो दैट्स द रीजन वी टेक द एंटायर अमाउंट विद अस। इसके अलावा इंटीरियर का खर्चा, वर्किंग कैपिटल का खर्चा, आपके आउटलेट का डिपॉजिट, अगर आप रेंट पे लेते हो तो उसका जो डिपॉजिट होता है, ये सब चीजें आपको आपके लेवल पे मैनेज करनी है। और हमारा जो इंटीरियर का वेंडर है उसका वेबसाइट मैंने यहाँ पे लिखा है, ये बाय द नेम स्पेस इंटीग्रेशन .com। ये वेंडर के साथ हम पूरे इंडिया में आपके
अंदर का इंटीरियर का काम भी करवा सकते हैं अगर आपको चाहिए कि वो भी चीज हम करें। इसके अलावा मार्केटिंग सपोर्ट, फुल फ्लेज ट्रेनिंग, टीम का ऑडिट और बिजनेस का हैंड होल्डिंग, ये सारी चीजें आपको हमसे करके मिलेगी। अभी पर मंथ आपके एक्सपेंस क्या होंगे? ये तो आपका कैपिटल एक्सपेंस हो गया, अभी वर्किंग कैपिटल आपको ये पर मंथ कितना लगेगा? रेंट आप पकड़ के चलो, मोटा मोटा इंडिया में आप कहीं पे भी लेते हो तो 35,000 आपको रेंट जाएगा। दो लोगों का अगर आप में सैलरीज पकड़ो तो 18,000 आपको टेक्नीशियंस का, मैकेनिक का सैलरी लगेगा। एक आप सीनियर बंदा रखोगे जो एक एडवाइजर के तौर पे काम करेगा, उसका 13,000 रुपये उसका सैलरी होगा। और एक बिलिंग या कैशियर आप रखोगे जो लड़की कस्टमर्स को कॉल करके लीड जनरेट करेगी, उसका एक 9,000 का कॉस्ट होगा। और मिसलेनियस 15,000 अगर आपने लोन लिया और उसका ईएमआई है, आपके टी कॉफी एक्सपेंस, पीटी कैश एक्सपेंसेस, प्रैक्टिकल फिगर्स है पूरे महीने में आपका इंडिया में आप कहीं पे भी लो। अच्छा, ये मेट्रो सिटीज की बात है और ये अज्यूमिंग कि आपका रेंट 35,000 है। रूरल एरिया में, महाराष्ट्र के अलग अलग गांव में या गुजरात के अलग अलग गांव में रेंट आपका 25,000 या 20,000 में भी आपका सेट हो सकता है। अगर आपकी खुद की जगह है तो आपको रेंट जरा भी नहीं लगेगा। सो मोटा मोटा 90,000 इज द हाईएस्ट, उसके नीचे ही आपका खर्चा हो जाएगा। नाउ कमिंग टू द पर मंथ इनकम, ये तो हो गया कि मुझे कितना इन्वेस्ट करना है वन शॉट, कितना मेरे को महीने भर में देना है और मुझे मिलेगा क्या। सो इंडिया भर में लेट मी टेल यू, हमारा एक्सपीरियंस है, कहीं पे भी आप अगर वर्कशॉप डालते हो, डे वन से मार्केटिंग किए बिना भी आपको 100 गाड़ी पूरे महीने में आना चालू हो जाता है, विच इज दिन का तीन गाड़ी इंडिया में। आप कहीं पे भी वर्कशॉप डालो, मार्केटिंग किए बिना आपको आना चालू हो जाता है। तो आप जो ऊपर देख रहे हो 100, 200, 300, ये गाड़ी है, ये रिपोर्टिंग है जो आपके वर्कशॉप में आ रही है पर मंथ। सो लेट मी टेक एन एग्जाम्पल ऑफ 100। 100 गाड़ी अगर आपके आउटलेट में पहले महीने में आती है तो लेबर आपको मोटा मोटा 400 रुपये मिलता है, विच इज 40,000। पार्ट्स और ऑयल का मार्जिन आपको 200 रुपये मिलता है। पार्ट्स और ऑयल पॉसिबल आपने 50,000 का बेच दिया, बट मैं मार्जिन की बात कर रहा हूँ। मार्जिन आपका 2,200 रुपीज होगा पर गाड़ी, 20,000 आप वो पकड़ो। वेस्ट ऑयल और स्क्रैप, ये हम आपको बताएंगे, अलग अलग रेवेन्यू मॉडल होता है, जहां से आपको 2,000 मिलेगा। और वैल्यू एडेड सर्विस होता है, जैसे कोटिंग हो गया, इंजन फ्लश हो गया, डीकार्बन हो गया, काफी सारी सर्विसेज आप कस्टमर को एक्स्ट्रा दे सकते हो, जिसमें मोटा मोटा आपको 10,000 मिलेगा। और जैसे मैंने बताया, 80 से 90 हजार का अगर आपका खर्चा है तो आपको 8,000 रुपये लॉस हो सकता है पहले दूसरे महीने। यही चीज आपकी अगर 150 गाड़ी हो जाती है तो 25-30 हजार मिलेगा, 200 गाड़ी हो जाती है तो 54,000 आपको मिलेगा, और 300 गाड़ी पे आप जाते हो तो सर्विस ऑपरेशन में आप मोटा मोटा 1,16,000 रुपये तक आप कमा सकते हो। इसके अलावा आपने अगर नया गाड़ी का भी बिजनेस साथ में डील करना चालू करा, आपने सेकेंड हैंड गाड़ी का बिजनेस साथ में चालू करा, आपने आरटीओ, इंश्योरेंस, एक्सेसरीज, वारंटी, ये सारे टाइप हम आपको करके देंगे, सारे टाइप हम करके देंगे। और आपको अगर सारी चीजें 3 महीने 4 महीने में चालू करनी है तो मोटा मोटा 300 गाड़ी में आप 1,50,000 रुपये भी आप इससे कमा सकते हो। और आपका कहीं ना कहीं पे ब्रेक इवन तो आपका 3 से 4 महीने के अंदर एक्सपेक्टेड होना चाहिए, जिसको एक ऑपरेशनल ब्रेक इवन बोलते हैं, जिससे आपके महीने के खर्चे जो 80,000 या 90,000 के आपके महीने के खर्चे है, वो आपका आउटलेट आपके बिजनेस से निकाल देना चाहिए। और उसके बाद जो आपका ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट है, वो आपका साल से 1.5 साल में आप तक रिटर्न आ जाना चाहिए, और उसके बाद आपको हर महीने एक अच्छा बिजनेस प्रपोजिशन डेवलप हो जाता है। तो ये जो मैं बता रहा हूँ, ये खाली सर्विस के नंबर्स है। इंश्योरेंस रिन्यूअल का मार्जिन अलग, सेकेंड हैंड गाड़ी का जैसे मैंने बताया मार्जिन अलग, और नए गाड़ी का मार्जिन अलग। और जैसे मैंने बताया, इट्स अ हाई ग्रॉस प्रॉफिट बिजनेस, और अगर आप एक अच्छे इंप्लीमेंटर हो, आपके अंदर एक अच्छा मैनेजमेंट स्किल्स है, तो आप ऐसे 2-3-4 आउटलेट भी एक्सपेंड करके आपका एक पूरा एक अच्छा बिजनेस मॉडल बना सकते हो। डेफिनेटली आप अगर एक चालू करते हो तो हम सजेशन देते कि 8 महीने या 1 साल तक आपको दूसरा नहीं डालना चाहिए। बट आपका जैसे हम ये टेक्नोलॉजी ड्रिवन मॉडल बनाएंगे, तो आपके मोबाइल ऐप में क्लिक ऑफ अ बटन आपको आपके आउटलेट का पूरा एनालिसिस मिल जाएगा। तो आपको अगर टेक्नोलॉजिकली हमसे सपोर्ट मिलेगा तो आगे जाके आप 4-5 आउटलेट में भी एक्सपैंड कर सकते हो। एंड इट इज नॉट अबाउट फ्रेंचाइजी फीस, हमारा सपना है कि 2025 तक हम 2,000 फ्रेंचाइजीज चालू करें और 2,000 लोगों को हमारे साथ जोड़े और उनको एक अच्छा इनकम हो, वैसे हम लोग का एक मॉडल बनेगा। ऑयल का स्पेयर पार्ट और अलग अलग सप्लाई हम करेंगे, ये हमारे कमर्शियल्स बन जाएंगे। फिर रोड साइड असिस्टेंस, एक्सटेंडेड वारंटी, एनुअल सर्विसेज, ये सारा हम सप्लाई करेंगे। 5,000 रुपीज हम आपसे एवरी मंथ लेंगे, बट ये आईटी चार्ज होगा,
जो आपको मोबाइल ऐप दिया जाएगा या जो आपको सॉफ्टवेयर दिया जाएगा, ये उसका मेंटेनेंस फीस है, ये हम लेके वो मेंटेनेंस प्रोवाइडर को आगे ट्रांसफर करते हैं, ये हमारी कंपनी में हमारे पास नहीं बचता है। बाकी हम आपसे कोई मैनेजमेंट फीस नहीं लेते, उल्टा हम आपको मार्केटिंग में कॉन्ट्रीब्यूशन देंगे जिसमें हम भी अपने जेब से पैसा डालेंगे। बाकी सेकेंड हैंड गाड़ी नया गाड़ी का मार्जिन आपका है, आरटीओ इंश्योरेंस का मार्जिन आपका है, नो मैनेजमेंट फीस फॉर अ लाइफ टाइम। तो वी आर सेलिंग अ ड्रीम, वी आर नॉट सेलिंग अ बिजनेस आइडिया, वी आर सेलिंग अ ड्रीम। 2025 तक का हमारा विजन है कि हमको 100 सिटी में ऑपरेशनल होना है, 1500 लोगों के साथ हमको आउटलेट डालना है, 2000 लोगों को हमारे साथ पार्टनरशिप में करना है, 50,000 लोगों को एम्प्लॉयमेंट देना है। हम आपके थ्रू 50,000 लोगों का एम्प्लॉयशिप जनरेट करना चाहते हैं और 1 मिलियन कस्टमर्स को 5 साल के अंदर केटर करना है, 10 लाख कस्टमर्स को 5 साल के अंदर हमको केटर करना है, ये हमारा विजन है। सो आर विजन इज टू डेवलप अ होलिस्टिक टू व्हीलर मैनेजमेंट इकोसिस्टम। सो ये हमारे स्टेप्स होंगे। अगर आप हमारे साथ जुड़ने की बात करते हो तो एक एप्लीकेशन फॉर्म आप भरेंगे, फिर एक पहला ट्रांच आप हमको पे करेंगे विच इज 50,000 रुपीज, फिर एक साइट आइडेंटिफिकेशन आप करोगे, साइट का एक एग्रीमेंट होगा, आपका बताएगा कि आप आज से हमारी फ्रेंचाइजी हो। उसके बाद आपके साइट का पूरा सेटअप होगा जहाँ पे हमारे तरफ से मटेरियल आएगा, आपका पूरा मटेरियल आएगा, मैन पावर का रिक्रूटमेंट होगा और एक प्री लॉन्च प्रमोशन होगा, 15 दिन का पूरा प्री लॉन्च प्रमोशन होगा जिससे आपके एरिया में कस्टमर्स को पता चल जाएगा कि उनका एक फ्रेंचाइजी यहाँ पे आ रहा है करके। और फिर एक गो लाइव हो जाता है जहाँ पे एक सेटअप का वेब पोर्टल और इनॉग्रेशन सेरेमनी और टीम का ट्रेनिंग करके हम आगे बढ़ेंगे। सो टूल्स एंड इक्विपमेंट जैसे मैंने बताया 32 या 50 चीजों का आपके वहाँ पे डिलीवरी होगा। मार्केटिंग ब्रांडिंग में आपका आउटलेट का बोर्ड, इन स्टोर ब्रांडिंग, कैनोपी, स्टैंडिंग, लीफलेट, फ्लायर, बाइक के स्टिकर, कीचेन, यूनिफॉर्म, डायरी, नोटपैड, पेन, विजिटिंग कार्ड, ये सारी चीजें आपको हमारे तरफ से सप्लाई होगी। ट्रेनिंग एंड ऑडिट होगी और डेटा ड्रिवन ऑडिट हम बहुत करवाएंगे, साइंटिफिक ऑडिट, बहुत साइंस और बहुत टेक्नोलॉजी को लेके हम इसमें काम करेंगे और मोबाइल ऐप आपको देंगे जॉब कार्ड ओपन करने के लिए और पूरा बिलिंग सॉफ्टवेयर और आपका इन्वेंट्री मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर आपको हम देंगे। सेल्स एंड मार्केटिंग रहेगा जो पूरा ऑनलाइन ऑफलाइन मार्केटिंग और स्पेयर पार्ट सप्लाई होगा। तो दैट्स ऑल मेरे तरफ से, ये पूरा प्रेजेंटेशन मैं एंड करता हूँ।